अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि बालों को सिल्की कैसे किया जा सकता है, बालों में शाइनिंग कैसे लाई जा सकती है। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे हेयर केयर टिप्स दिए हैं, चूँकि बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बालों में शाइनिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बाल बेजान ना रहें, तो आपको बालों में तेल डालना बेहद ज़रूरी है। अब आप कोई सा भी तेल डालें, लेकिन आपको तेल डालना ही है, ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आप वीक में दो बार तेल तो ज़रूर डालिए, अगर दो बार नहीं तो एक बार तो आपको तेल डालना ही है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में हेयर केयर रूटीन बताया है, वो आपको वीक में एक बार करना है। और आपको अगर इससे फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स फॉलो करेंगे। तो आपको ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल रेजुविनेट्स हेयर, इट कैन बी यूज्ड एज अ मल्टीपर्पज स्टाइलिंग प्रोडक्ट। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों को शाइनी बनाता है, इसलिए हमने कोकोनट ऑयल लिया है। और थर्ड जो है वो है ऑलिव ऑयल। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल और एलोवेरा ही ले सकते हैं। अब मैंने एलोवेरा जेल लिया है और इसको मैं कट कर रही हूँ। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप भी करिए। अब देखिए इसका जो पल्प है ये आपने निकालना है, ऐसे इजीली आप इसका पल्प निकाल सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके बालों को फ्रेस फ्री करता है, शाइनी करता है और स्मूथ बनाता है। ये तो आपको ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए, इट्स अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट। ठीक से सारा एलोवेरा जेल निकाल लीजिए। उसके बाद आपको इसमें 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सब चीज़ें हों, आप सिर्फ एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल मिक्स करूंगी और इन तीनों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस पैक को अप्लाई करने से पहले आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं बालों को वॉश करने के लिए। बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, उसके बाद जैसे मैं पार्टिंग कर रही हूँ वैसे ही करिए। अब आपको बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेना है और इस पैक को अच्छे से अप्लाई करना है। ध्यान रखिए पैक बहुत अच्छे से अप्लाई होना चाहिए आपके बालों पर। अच्छे से बालों को कॉम कर लीजिए और छोटा छोटा सेक्शन लीजिए। देखें पैक को पूरे बालों पर अच्छे तरीके से लगाएं और बालों की अच्छे से मसाज करिए। ये पैक आप वीक में दो बार नहीं तो एक बार तो ज़रूर लगाएं, बहुत हेल्पफुल रेमेडी है ये आप लोगों के लिए। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि बाल ड्राई हो जाते हैं, बालों को सिल्की करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये स्पेशली मैंने वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाई है। आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और बालों में ये पैक नीचे की तरफ लगाना ना भूलें। याद रखिए पैक लगाने के साथ साथ आपको अपने बालों को कॉम भी करना है, जिससे आपके बाल नहीं उलझेंगे और इजीली आप वॉश भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ पैक अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है, पूरे बालों पर पैक अच्छे से अप्लाई कर लेना है।
नीचे की तरफ पैक ज़रूर लगाएं। और जैसे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ बालों को, ऐसे आप लोगों ने भी ट्विस्ट करना है। अब पूरे बालों को अच्छे से बांध लीजिए और 30 मिनट का वेट कीजिए। 30 मिनट के बाद मैं अपने बाल धो चुकी हूँ। अब देखिए, मैं ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही हूँ। याद रखिएगा, कभी भी बालों पर डायरेक्ट ड्रायर की गर्म हवा ना लगाएं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और सिल्की भी लग रहे हैं। ये देखिए, पूरे बालों का सूखने के बाद फाइनल लुक, कितने शाइनी और सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे बाल। आप इस रेमेडी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। चलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।